पांच शताब्दियों के महायज्ञ का फलीभूत हो रहा है वो सपना, वो सपना साकार हो रहा है जो पांच शताब्दियों से अलग अलग पीढ़ियों ने भगवान श्री राम के दिव्य जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण की कामना की थी और वो कामना फलीभूत हुई है। हमारी संस्कृति शरीर को ही मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति विश्व को मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति देश को मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति व्यक्ति व्यक्ति को मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति देश की माटी को चंदन मानती है। हमारी ही संस्कृति कहती है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मृदपिच चंदन अस्मिन देशे, ग्रामो ग्रामः सिद्ध वनम, यत्र च बाला देवी स्वरूपा, बालाः सर्वे श्री रामाः। यानी कि चंदन है इस देश की माटी, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहां सिंह बन गए खिलौने, गाय जहां माँ प्यारी है, जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहां कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी हैं, ज्ञान जहां का गंगा जलसा, निर्मल है अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता हैं, जहां खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जीवन का आदर्श जहां पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मृदपिच चंदन अस्मिन देशे, ग्रामो ग्रामः सिद्ध वनम, यत्र च बाला देवी स्वरूपा, बालाः सर्वे श्री रामाः। भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर, भगवान श्री राम विराजमान की जन्मस्थली पर भव्य दिव्य निर्माण हो रहे इस कार्यांजलि का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, साक्षात अनुभूति कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कि किस तरीके से समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में सनातन संस्कृति के इस दिव्य कीर्ति स्तंभ को स्थापित किया जा रहा है। अगर देखें तो निश्चित तौर से यह ऐसा निर्माण है जो आधुनिक अयोध्या और आध्यात्मिक अयोध्या का संगम है, जो कि चिर पुरातन और नित नूतन होती अयोध्या का संगम है, जो कि हमारी वैज्ञानिकता और हमारी पौराणिकता, हमारी धार्मिकता, हमारे आध्यात्मिकता का समावेश है। क्योंकि इस मंदिर निर्माण में अनेक ऐसे वैज्ञानिक तथ्यों और ऐसे वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिससे इस मंदिर को चिरस्थाई और काल के कपाल पर अमिट साक्षर के रूप में स्थापित किया जा सके। इस मंदिर के बारे में अगर बताएं तो जहां इस समय प्रधानमंत्री हैं, ये मंदिर का प्लिंथ है, और इसके बाद 25 मीटर दोनों तरफ दूर मंदिर के परकोटे का निर्माण होना है। वो मंदिर का परकोटा मंदिर के गर्भगृह से 25 मीटर दूर होगा और ये तकरीबन चारों तरफ होगा ये परकोटा, और प्रदक्षिणा मार्ग के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। ये प्रदक्षिणा मार्ग तकरीबन 800 मीटर का होगा, 800 मीटर का ये मंदिर का परकोटा प्रदक्षिणा मार्ग के रूप में होगा। अभी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां से नीचे उतर रहे हैं, यहां पर सिंहद्वार की स्थापना की जाएगी, और इसके बाद ये मंदिर तीन तलों में होगा, भूतल, प्रथम तल और द्वितीय तल में ये बनाया जाएगा। और इस मंदिर निर्माण के अगर आयताकार परकोटे की बात करें तो उसके बाद इस मंदिर के आयताकार परकोटे के अंदर सीता मंदिर, सीता की रसोई, अन्नपूर्णा मंदिर, भगवती मंदिर, शिव मंदिर, गणेश मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर आग्नेय कोण में होगा, गणेश जी का मंदिर ईशान कोण में होगा, माता अन्नपूर्णा का मंदिर होगा, और साथ ही साथ इस मंदिर में प्रवेश के लिए मुख्य जो अयोध्या का मुख्य मार्ग है
बिरला मंदिर से सुग्रीव किला और अमावा मंदिर होते हुए 100 फीट चौड़े और तकरीबन 770 मीटर लंबे इस प्रवेश द्वार और प्रवेश मार्ग को बनाया जाएगा जो कि सीधा मंदिर तक पहुंचेगा। मंदिर परिसर इससे विशद होगा। मंदिर परिसर तकरीबन 60 एकड़ और ज्यादा क्षेत्र में होगा। मंदिर परिसर, मंदिर का जो मुख्य परकोटा का हिस्सा है वो 10 एकड़ में है और आगे का जो मंदिर परिसर है वो 60 एकड़ में है। तकरीबन 70 एकड़ क्षेत्र में इस दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और भगवान श्री राम के इस मंदिर की अनुकृति प्रतिकृति इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट कर रहे हैं। मंदिर निर्माण समिति की तरफ से इस कार्य में, पुनीत कार्य में लगे हुए कर्मवीर और साथ ही साथ इस कार्य में लगे हुए कार्यदायी संस्था और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के पदाधिकारी। निश्चित तौर से अगर इस मंदिर की बात करें तो मंदिर, मुख्य मंदिर 10 एकड़ क्षेत्र में होगा और मंदिर परिसर 60 और एकड़ क्षेत्र में होगा। तकरीबन 70 एकड़ क्षेत्र में यह मंदिर विस्तारित होगा। मंदिर परकोटे के बाद जो मंदिर परिसर होगा उसमें तकरीबन 6 अन्य मंदिर बनाए जाएंगे। वहां पर शेषनाग जी का मंदिर, शेषनाग स्वरूप में भगवान लक्ष्मण का मंदिर होगा, जटायु का स्मारक वहां पे होगा। और इस समय देखें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महायज्ञ में लगे हुए लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। देख रहे हैं जो श्रमिक मंदिर निर्माण में जुटे हुए हैं उनसे इस वक्त वार्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस भव्य दिव्य मंदिर के निर्माण में जो पूरी मेहनत और पूरे समर्पण भाव से जो श्रमिक जुटे हुए हैं उनसे संवाद का ये कार्यक्रम भी रखा गया है। उनसे भी मुलाकात का, उनसे बातचीत करने का प्रधानमंत्री को ये अवसर मिला है और इस वक्त वे उनकी मेहनत की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रेरित करते हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से नवयुवक, हमारे अभियांत्रिकी से जुड़े हुए नौजवान, हमारे युवा इस पुनीत कार्य को संपादित कर रहे हैं, इस पुनीत कार्य में अपना अंशदान कर रहे हैं। और जब प्रेरणा, जब इस तरीके का संवाद होता है जननायक के द्वारा, राष्ट्रनायक द्वारा, तो एक ऊर्जा का संचार होता है इस कार्य में लगे हुए व्यक्तियों की, इस कार्य में लगे हुए युवाओं की, इस कार्य में लगे हुए अभियांत्रिकी और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए व्यक्तियों की, इस कार्य में लगे हुए श्रमजीवियों को। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन भी कर रहे हैं उनके श्रम को, सम्मान देते हुए जो हमारी श्रमेव जयते की परंपरा है, जो हमारी एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।